दोस्तों नमस्कार, आदाब, जय भीम। स्त्री का स्वागत है। क्या हम लोग लाइव हो चुके हैं? अरुण, हेलो, यदि लाइव है तो हम लोग एक स्केप दीजिएगा अरुण जी। तो दोस्तों स्त्रीकाल यूट्यूब लाइव में आपका स्वागत है। स्त्रीकाल यूट्यूब लाइव, फेसबुक लाइव और हमारे वेबसाइट www.istrikal.com बातचीत को आप सुन सकते हैं। आज हम लोग बातचीत कर रहे हैं धार्मिक मिथों की पुनर्व्याख्या क्यों जरूरी। आज हमारे साथ सबसे पहले हम अपने साथ जुड़े गेस्ट्स का स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ आज बातचीत के लिए अतिथि हैं अनीता भारती। अनीता भारती लेखिका, आलोचक और दलित स्त्रीवाद की मुखर प्रवक्ता हैं। अनीता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय भीम। शुक्रिया। जय भीम संजीव। आप हमारे साथ दूसरी अतिथि हैं अनुशक्ति सिंह। अनुशक्ति सिंह लेखिका हैं, कवयित्री हैं और इनका एक उपन्यास शर्मिष्ठा जी, पुराणों की कथा देवयानी कच्छ और शर्मिष्ठा पर आधारित उपन्यास है। इस लिहाज से भी इनका पैनल में होना बहुत महत्वपूर्ण है। कोई आवाज? हेलो जी। और हमारे साथ तीसरी अतिथि हैं मनोरमा। मनोरमा पत्रकार हैं और आज की बातचीत में इनकी खास भूमिका होगी जी। नमस्कार मनोरमा जी, स्त्री कार्य टीम से भी जुड़ी हुई हैं। अनीता जी स्वागत है जी। और आजकल ये जहां रह रही हैं कर्नाटक में मैसूर महिषासुर के नाम से बसा हुआ शहर बताया जाता है, वहां एक मूर्ति भी है। तो आज की बातचीत हम लोग शुरू करते हैं। धार्मिक मिथकों की अपनी एक खास भूमिका अनुकूलन के लिए होती है और दो तरफा अनुकूलन धार्मिक मिथक करते हैं। एक अनुकूलन जिनको प्रिविलेज प्राप्त है, जिनका वर्चस्व ऑलरेडी जिनको हासिल है सांस्कृतिक रूप से, धार्मिक रूप से, आर्थिक रूप से, तो उनको अपराध बोध से मुक्त करते हैं ये मिथक और उनको ये एहसास दिलाते हैं कि ये उनका अधिकार है कि वो सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से, धार्मिक रूप से, आर्थिक रूप से प्रिविलेज पाने के हकदार हैं। और दूसरी ओर जिन पर शासन है, जो शोषित हैं, जो सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, सांस्कृतिक रूप से पिछड़े हैं, उनका भी अनुकूलन करती है करते हैं ये मिथ शोषण के लिए। आप किसी पर बलात् बहुत ही ताकत से बहुत दिनों तक आप उस पर वर्चस्व कायम नहीं रख सकते हैं, तो धार्मिक मिथ उनके अनुकूलन का काम करते हैं। समय समय पर लोक साहित्य ने भी, और यहाँ भारत में धार्मिक मिथों की कोई एक धारा नहीं है, एक शास्त्रीय धारा, यदि मसलन यदि दुर्गा का मिथ ले लें तो दुर्गा के मिथक को लेकर के, दुर्गा सबसे ज्यादा पॉपुलर भारत में 18वीं सदी में होती है, जब लॉर्ड क्लाइव, कहा जाता है कि लॉर्ड क्लाइव ने प्लासी के युद्ध के बाद दुर्गा की पूजा की थी और आज भी कोलकाता में कंपनी के नाम पर पूजा होती है। लेकिन उसी के आसपास यदि ऐसा कह सकते हैं कि उस दौर के जमींदारों ने दुर्गा पूजा की प्रतिष्ठा कराई। ऐसे कई पर्व है, अब जैसे महाराष्ट्र का जो बहुत ही ऐसा लगता है कि काफी दिनों से मनाया, सालों से, सदियों से मनाया जाने वाला गणेश चतुर्थी पर्व है, लेकिन ऐसा है नहीं, तिलक ने उसकी शुरुआत की थी। तो इन धार्मिक मिथकों की पुनर्व्याख्याएं, जैसे कर्नाटक में मैंने कहा शुरू में ही कि महिषासुर के नाम पर मैसूर को बताया जाता है, केरल जो वामन और बलि की कथा को देखता है उसमें बलि के साथ केरल खड़ा होता है,
तो धार्मिक मृतकों की पुनर्व्याख्या ऐसे समाज ऐसे भी करता रहता है। आदिवासियों ने दुर्गा और महिषासुर की कथा को अपने तरीके से लिया है। राम की कथाओं की कई राम की कथा का कई की कई कई व्याख्याएं कई कई दृष्टि से व्याख्याएं, स्त्रीवादी दृष्टि से व्याख्या है, जाति के आधार पर दलित दृष्टि से उसकी व्याख्याएं, तो व्याख्याएं होती रहती हैं और आधुनिक व्याख्याएं भी इनकी होती है। आज हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि क्या धार्मिक मिथों की पुनर्व्याख्या के द्वारा इससे मुक्ति संभव है, या वह तरीका जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनाया कि उन्होंने जो घोषणा की थी कि हम हिंदू पैदा हुए हैं लेकिन हिंदू मरेंगे नहीं, तो हिंदू धार्मिक मिथों से वो अपने को खुद को अलग कर लेते हैं, एक समाज को अलग करा ले जाते हैं, उसका क्या असर हुआ, ये सब सारी चीजें हम लोग समझेंगे, क्या वह कारगर तरीका है मिथकों से मुक्ति का। अनिता जी, सबसे पहले आपसे ही बात से शुरू करते हैं कि आप धार्मिक मिथकों के प्रभाव को कैसे सबसे देखती हैं सामाजिक रूप से। संजीव, सबसे पहले तो मैं स्त्रीकाल का धन्यवाद करती हूँ और अपने सभी साथियों का स्वागत करती हूँ कि आज, क्योंकि कल दशहरा है और एक मिथक वाला दिन है पूरा, तो उससे एक दिन पहले की जो ये बातचीत है बड़ी महत्वपूर्ण है। और मैं समझती हूँ कि कुछ समय पहले इस बातचीत, वैसे तो दलित साहित्य में बहुत समय से इस पर बातचीत होती रही है, और मैं मतलब मुझे लगता है बहुत समय से हमने मिथकों का विरोध किया, क्योंकि आप सही कह रहे थे कि मिथक जो है दो काम करते हैं, एक जो वर्चस्वशाली जो जातियां हैं समुदाय हैं उनको वो ताकत देते हैं, वहीं जो दूसरे जो शोषित जमात है उनको वो उस तरीके से उनका दमन, मतलब सारे अगर हम पात्र उठा के देखें, मिथकों के पात्र उठा के देखें, तो हम देखते हैं ऐसा पाते हैं कि और हम ये देखते हैं कि इन मिथकों के माध्यम से जो, चाहे हम जिन्हें सो कॉल्ड कहते हैं असुर या राक्षस या जो भी उस तरह से शूद्र और दलित समाज के और महिलाओं को जो था जिस तरीके से उनको वंचित रखा गया, जैसे उनको कंट्रोल किया गया, तो वो मिथक जो है उनसे अगर हम मिथकों से मुक्ति नहीं पाते, आज की टॉपिक का रही, अगर मिथकों से मुक्ति नहीं पाते तो हमारी मुक्ति संभव नहीं है। इसको मैं कहूंगी कि जैसे मान लीजिए स्त्री साहित्य में हमारे सामने जो आदर्श है वो सीता का आदर्श है, और सीता के आदर्श को रखा गया और सीता के आदर्श के अनुसार सारी महिलाओं को बनाने की कोशिश की, और सीता का जो जो रूप है वो हम ये कहते हैं कि भाई सब चीजें आप जैसे भी कहो सहो, लेकिन सीता की तरह रहो, प्रतिव्रता चाहे कुछ भी करे, तो ये एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है इसका समाज पे महिलाओं को दबाने के लिए। तो इसी तरीके से और हमारे सामने वो चरित्र, अगर मिथकों की भी बात करें तो उस तरह के चरित्र नहीं लाए जाते, तो बहुत दबंग है जो बहुत ज्यादा अपने पे निर्भर रही, जैसे भीम की पत्नी हिडिंबा, उसका हम नहीं अच्छा। और मिथकों में जैसे सुपर्णखा का मिथक है तो उसको जिस तरीके से पेश किया जाता है, उसकी नाक काट के उसके वो सब के, वो बहुत अभद्र तरीका है औरतों को, जो और स्वतंत्र औरतें थी तो स्वतंत्र औरतों को जिस तरीके से इन्होंने उनको कंट्रोल में लाने के लिए उनको उनका मान मर्दन किया, उनको मतलब उनको पूरे तरीके से। तो मैं ये सोचती हूँ कि मैं आगे इस पे आऊंगी कि भाई हमें ये लगता है कि मिथकों से हमें मुक्ति पानी चाहिए, और मिथक जो है वो किसी तरह की ताकत नहीं देते, और हमारे सामने जब हम इसलिए मुक्ति पाने की बात करते हैं क्योंकि हमारे पास तो जीते जागते हमारे आइकन है सावित्रीबाई फुले है, उस हमें उस तरह के मिथकों की जरूरत नहीं है, हम तो सावित्रीबाई फुले है, पुलक देवी, हमारे सामने बहुत तरह के जो है डॉक्टर अम्बेडकर है, गौतम बुद्ध है, हम ये कहेंगे कि हमें मिथकों की जरूरत इस वक्त नहीं है और इससे मुक्ति कभी संभव नहीं है, मेरा बिल्कुल स्ट्रांगली मानना है। जी अनिता जी, हम आपकी ओर आगे भी आएंगे, और एक कोट में पढ़ रहा था, एके पंकज ने आज बड़ा अच्छा कोट लिखा है कि काश ये देवियां हमारी दादी नानियों की तरह होती, बूढ़ी दादियों की तरह, जो माथा चूम कर प्यार देती, आशीर्वाद देती, और ये मतलब आक्रामक छवि जो है देवियों की बनी हुई, वो काश नहीं होता।
तो इस तरह से लोग, और देखिए मिथक तो शर्मिष्ठा आपकी, ये सॉरी अनुशक्ति जी आपकी ओर आ रहा हूँ, मिथकों का जो अपना एक, उसको कैसे इंटरप्रिटेट करेंगे, उसका एंगेजमेंट होता है। जैसे एक कहानी देखिए, कई सारे ऐसे मिथक हैं, एक कहानी में अनुसुईया वाली कहानी आप को सामने रख रहा हूँ कि वहां तीन देवता विष्णु शिव और ये ब्रह्मा, ये तीनों उसकी ओर जाते हैं और उसके सतीत्व की परीक्षा लेते हैं और उसको नग्न अपने सामने आने को कहते हैं और वो नग्न आती है और ये तीनों को बालक बना देते हैं। अब ये जो लंपटई है, इस लंपटता का कोई, उस पर कोई अपराध बोध नहीं है, वहां कोई सजा नहीं है। ऐसी कई कहानी, जैसे हिंदु की कहानी है जहां एक तो सतीत्व मर्डर के तौर पर उस स्त्री के ऊपर आता है, दूसरी ओर अब इस सतीत्व का एक महिमा मंडल लिए हुए जो अनुकूलन होता है ऐसी चीजों को, जैसे सावित्री और बद सावित्री की पूजा कथा है तो वो भी एक महिलाओं का अनुकूलन, हर साल महीने उसको मनाती है। तो पहला ही सवाल, ठीक वही सवाल मैं आपकी और अनुशक्ति दूंगा जो अनिता भारती को दिया था, कि इसका प्रभाव आप कैसे देखती हैं समाज पर और खासकर महिलाओं पर मिथकों। संजीव जी, सबसे पहले तो इस जरूरी विषय पर चर्चा रखने के लिए आपका सब बहुत बड़ा आभार। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि अनिता जी का एक पक्ष है, बहुत ही माकूल पक्ष है, बहुत जरूरी पक्ष है, पर उसके अतिरिक्त मैं आपको ये बात जोड़ना चाहूंगी अपनी बातों में कि भारतीय परिवेश में जहाँ पे हर चीज मिथक के साथ जी जाती है, जहाँ पे एक पूरा एटमॉस्फेयर तैयार हो गया है मिथकों के साथ जिंदगी जीने के लिए, जहाँ पे मिथक आधारित कथा पर दो विचारों के, दो समूहों के बीच वैमनस्यता खड़ी कर दी जाती है, वहां पे अगर मिथकों का रीडिंग नहीं हुआ, मैं मिथकों को उनके उस रूप में मानने को नहीं मानना चाहती हूँ, मैं मिथकों की रीरीड में, एक पुनर्पाठ में भरोसा रखती हूँ। जैसे मेरी अपनी किताब है शर्मिष्ठा, शर्मिष्ठा की कहानी अब तक लोग जानते आए हैं कि शर्मिष्ठा कच्छ की ययाति की शर्मिष्ठा ययाति की रही है, दूसरी पत्नी रही है, उनके बेटे की मां रही है शर्मिष्ठा का, उसके अतिरिक्त कोई और स्पेस नहीं है, वे एक वैम्प की तरह है पूरी कहानी में नॉर्मली अगर आप परसीव करें तो। पर जो मैंने उस शर्मिष्ठा को परसेप्शन दिया है वो एक सिंगल मदर है जो कि अपने फैसले खुद लेती है और इनफैक्ट जब उसको जरूरत होती है तो उस वक्त वो कहती है कौन है ययाति, उसने मेरे पुत्र को सिर्फ एक शुक्राणु दिया था, उसके अतिरिक्त उसका मेरे पुत्र से कोई वास्ता नहीं है। तो मुझे लगता है कि मिथक का रीरीड होना चाहिए। यहाँ पे मैं एक उदाहरण मनसा देवी का लेकर के आऊंगी। मनसा देवी बहुत ही प्रख्यात, अगर आप बंगाली पृष्ठभूमि से हैं तो आप जानते होंगे कि मनसा देवी की बहुत ज्यादा पूजा की जाती है, वे शर्क की देवी है। मनसा देवी के बारे में जो एक बात है जो कम जानी जाती है वो ये कि मनसा देवी मूलतः आदिवासियों की देवी है। Am I audible? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? आ रही है, आ रही है। मनसा देवी मूलतः आदिवासियों की देवी है और ऐसा माना जाता है कि मनसा देवी का जो 14वीं शताब्दी में मनसा देवी को ब्राह्मणों के मिथक में उनका इंक्लूजन हुआ था ताकि शिव और शक्ति के बीच में जो लड़ाई है वो उसको और ज्यादा मनसा को शिव की बेटी बना दिया जाए ताकि शक्ति जो शिव और शक्ति की लड़ाई में शक्तियों को एक हार डिफीट हो। तो मनसा देवी के बारे में माना जाता है कि मूलतः आदिवासियों के उस पक्ष से हैं जो कि विष उतारता था, विष उतारने वाला, मतलब जो हमारे आदिवासी ट्राइब में विष उतारने की कला होती है, जो जहर उतारते हैं, तो मनसा देवी जो है वो जहर उतारने वाली ट्राइब से थी और जब शिव ने विष का हलाहल का पान कर लिया था तो उन्होंने शिव का जहर उतारा था। ठीक है, आप ये मानेंगे कि सर्प पूजा वेदों में भी उल्लेखित है पर मनसा देवी का स्थान वेद में नहीं है, मनसा देवी का इतिहास सिर्फ 14वीं शताब्दी से है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि बहुत सारे ऐसे देवी और देवता है, ऐसे नायक और नायिका है जो कि रियल वर्ल्ड के हैं। आप फॉर दैट मैटर मनसा देवी को ही ले लीजिए या फिर दुर्गा का भी जो एक बेसिक आप जाएंगे वो भी रियल वर्ल्ड से, जो कि हड़प्पन कल्चर से भी है, तो उसको आप उठाइए, उनकी जो मूल कथा है, जो उनका जो मूल विचार है उसको लेकर के आइए। हम क्यों एक ऑलरेडी क्रिएटेड जो हैवॉक है उसको ही हम प्रसारित करें या फिर उसको दबा दें? नहीं, अभी जरूरत ये हो गई है कि जो ऑलरेडी जो एक कथा है उसका पुनर्पाठ हो या फिर मनसा देवी जैसे उदाहरण है उसको लेकर के बाहर आया जाए, लोगों के सामने रखा जाए कि देखो ये भी पक्ष है। बिल्कुल, और दुर्गा एग्जैक्ट यथार्थ तो कोई भी मिथक नहीं होता,
लेकिन उसके बनने की प्रक्रिया समाज के यथार्थ के साथ उसका एक संबंध तो जरूर होता है। मनोरमा, सबसे बस यही सवाल आपकी ओर भी कि उसके प्रभाव को आप कैसे देखती हैं, और तब हम आप अगले राउंड में आपसे हम दक्षिण के मिथक को और खास करके मैसूर वाले मिथक को हम समझना चाहेंगे, दुर्गा और महिषासुर वाले। आपका आपका ये बंद है, आवाज बंद है, अब ठीक है? मैं अनीता जी को सुन रही, हाँ मैं अनीता जी को सुन रही थी और अनु जी को सुन रही थी, दोनों को। तो अनीता जी ने कहा कि हमारे पास जो मिथक के रूप में सीता का आदर्श रखा जाता है, और अनु जी ने कहा कि पुनर्पाठ, तो ये दोनों ही को अगर हम मिलाते हैं, सीता ही नहीं, हमारे पास पंच कन्या का भी उदाहरण है, प्रातः स्मरणीय पांच स्त्रियां हैं हमारे पास, जिनका नाम लेने से सारे पुरुषों के सारे पाप कटते हैं ये कहा जाता है, और ये मतलब पुरुषों को उनका नाम लेना ज्यादा उनके लिए ये पुण्य का काम होता है, और उनके लिए ज्यादा है ये कि ये प्रातः स्मरणीय पांच स्त्रियों के नाम ले। तो उन स्त्रियों में जो पांच है उसमें द्रौपदी और कुंती और अहिल्या भी एक एक्सटेंट तक, तारा और मंदोदरी मुझे उतना नहीं लगता है, लेकिन ये तीन तो मुझे बहुत क्रांतिकारी चरित्र लगते हैं। अहिल्या का भी, क्योंकि अहिल्या की कहानी हर जगह अलग अलग तरीके से है। वाल्मीकि रामायण में जो अहिल्या है उसमें मतलब कई जगह ऐसे हैं जहाँ पे ये होता है कि वो जान गई थी कि वो गौतम ऋषि नहीं है, उसके बावजूद भी जो है वो मतलब उनके साथ वो मतलब उनका संबंध बनता है, और बाकी जगह में ये है कि दूसरी तरह से है कि मतलब वो बताती है कि वो नहीं जानती थी कि वो मतलब गौतम ऋषि नहीं है, इंद्र जो है वो उनका वेश धारण करके आए थे। तो ये इस तरह का है, अगर वो मान लीजिए ये चीज अगर सही में इसका ये होता है तो एक, एक हाँ वो एक अपना चॉइस है, वो अलग तरह की बात होती है जो हम आज जिन चीजों की बात करते हैं, जिन मूल्यों की बात करते हैं, या जिस प्रगतिशीलता की बात करते हैं, अपने चयन, क्योंकि अगर ये कहानी सबको अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो मतलब थोड़ा सा उसके बारे में अगर जानेंगे तो ये जानेंगे कि अहिल्या को जब बनाया था ब्रह्मा ने तो उसके बाद उनकी शादी गौतम ऋषि से कर दी थी, जो उम्र में बहुत ज्यादा बड़े थे उनसे और वो बहुत ही छोटी थी, और इस तरह की एक तरह की बेमेल जोड़ी थी उन लोगों की, और बाद में इंद्र उस पे उनपे मोहित हो जाते और वो रूप बदल कर गौतम ऋषि का रूप बदल कई तरह से फेवर लेने की कोशिश करते, फिर बाद में अंत में वो रूप बदल कर आते, तो उसी के श्राप में वो है शिला बनती है और 1000 साल के बाद राम उनका उद्धार करते हैं ऐसा कहा जाता है। और कुंती और आप इनका कहानी द्रौपदी का जानते हैं, तो मुझे लगता है कि ठीक है सीता का आदर्श रखा जाता है, लेकिन हमारे पास मिथक में ही जो है ये और चरित्र भी हैं जो हालांकि इनका उस तरह से पाठ नहीं किया गया है उसमें, जैसे कि उसके कारण शिला बन जाना, ये धारा जो है इसको ज्यादा महत्व दिया गया है और उनके उद्धार की धारा की राम जो है राम के स्पर्श से उनका उद्धार होता है, इस तरह की धारा ज्यादा, कुत्ती के भी सिंगल मदर होने की जो है उस चीज को ज्यादा उसको लोकप्रिय या मतलब मुख्य धारा में इसको नहीं उस तरह से कहा गया है, इसको उसी तरह से कहा गया जैसे सीता का चरित्र होता है और इस तरह से। और हाँ अनीता जी, ये आप सही कह रही हैं कि यदि इससे मुक्त हो जाया जाए धार्मिक मिथों से तो वो एक बेहतर मार्ग होता है, लेकिन जीवन में दैनंदिन में यदि मिथक शामिल है और पर्व त्योहारों के माध्यम से मीडिया के माध्यम से, सबसे बड़ा जो क्रेता वर्ग है आज आप तमाम टीवी चैनलों को देखिए, धारावाहिकों को देखिए, तो सबसे बड़ा जो क्रेता वर्ग है वो महिला है, और वो उसको और घर में बच्चे होते हैं माँ के साथ या परिवार के साथ, तो वो उसके क्रेता वर्ग है, यानी उनका अनुकूलन करता है वो, तो एक इंगेजमेंट है, और इसलिए उसकी आधुनिक पुनर्व्याख्या की तो जरूरत क्या आपको नहीं लगती, मुक्ति अच्छी बात है। दूसरी बात कि समाज ने भी तरीके से अलग अलग तरीके से मिथकों से समाज इंगेज हुआ है, बल्कि अलग अलग समाजों के अपने अपने मिथक, शास्त्रीय मिथ ही केंद्रीय मिथ नहीं है, जैसे केरल की बात की थी कि केरल में बलि बलि एक सशक्त छवि है, और कोशिश हो रही है आरएसएस की, अमित शाह ने 4-5 साल पहले वहां चुनावों के दौरान बामन को प्रतिष्ठित करने की कोशिश की थी, तो कल्चरल टकराव हमेशा होता रहता है, मैसूर की ही कहानी है,
या जो दलित जिन देवियों की देवताओं की पूजा करते हैं, आदिवासी जिन देवियों और देवताओं की पूजा करते हैं, देवी देवता नहीं है वहां, उनके अपने उनके देव टर्म में वो बात करते हैं, तो उनके भी अपने अपने मिथक हैं, उनके अपने अपने इंगेजमेंट्स हैं। और इवन दुर्गा की कथा को भी आदिवासी समूह अपने तरीके से देखता है। महिषासुर वगैरह का तो एग्जांपल हमने दिया, इसी देश में महिषासुर का मंदिर है महोबा में और वो भारत सरकार द्वारा संरक्षित है। महाराष्ट्र में मसोबा नाम से महिषासुर से दलित समुदाय का जुड़ाव है। कर्नाटक में भी, एक मिनट, कर्नाटक में भी कोलार में, कोलार और मांड्या में, कोलार और मांड्या में महिषासुर की पूजा अपने अपने समाजों के, जी तो अपने अपने समाजों के अपने अपने मिथक हैं और समाज उनसे इंगेज होता है आधुनिक पुनर्व्याख्या के अलावा। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? ऐसा है संजीव कि हम लोगों ने हमेशा जो एक हम दलित आंदोलन के लोग रहे और फेमिनिस्ट आंदोलन से भी जुड़े, महिला आंदोलन से भी, तो मेरा ये मानना है कि हम मिथकों की कितनी भी पुनर्व्याख्या कर ले, लेकिन वो हमें उसी जाल में लेके जाती है। और हमारे सवाल स्त्री मुक्ति के सवाल अलग हैं और उनके सवाल अलग हैं। देखिए, अगर अब मैं उन जीते जागते लोगों में ज्यादा बिलीव करती हूँ, अगर आप मुझे कहें तो मैं कल्पना चावला को ज्यादा मानूंगा। कल्पना चावला हमारे समय की नायिका है जो स्पेस शिप में गई, पहली महिला है, मैं उनको महत्व दूंगी। मैं पूलन देवी को ज्यादा महत्व दूंगी जिसने अपने अन्यायी और अत्याचारी से हमारे सामने बदला लिया है, हमारे सामने जीती जाती। मैं सावित्रीबाई फूले को बहुत महत्व दूंगी क्योंकि उसने लड़कियों के लिए 18 स्कूल खोले। तो मैं, ये एक तरीका है, हम पुनर्व्याख्या करते हैं, हमारे सारा जो चीजें हैं उन्हीं के आसपास घूमते हैं, हम नए सवालों को नहीं उठाते। हाँ, बाजारवाद का तो रोल हमेशा रहता है कि वो इस तरीके से सबको इंगेज करके रखे और उसी को, मतलब वो चाहे वो सोना खरीदने का टाइम हो, चाहे स्त्रियों को साड़ी पहनने का हो, चाहे पति को, मतलब वो उसमें एंगेज करके रखता है। तो जो हमारे वास्तविक चीजें हैं, जो औरतों की सशक्तिकरण की चीजें, जो उसकी एजुकेशन का है, जो उसके मिनिमम वेज का, वो सारे सवाल पीछे हट जाते हैं। और ये हमें जो है ना, वो मैं सिर्फ एक धर्म की बात नहीं करूँ, मैं सभी धर्मों की बात करूँ, सभी धर्मों के मिथक ऐसे हैं जो हमें कहीं ना कहीं हमारे जो यथार्थ जीवन से काट के हमें अतीत में लेके जाते हैं। और अतीत में जब हम जाते हैं तो बहुत चीजें हम जितना भी खोजें, हम अपनी तरह से पुनर्व्याख्या कर लें, लेकिन वो चीजें नहीं पा सकते जो आज के समय की। और दलित समाज ने इस बात को समझा, उन्होंने एजुकेशन पे ध्यान दिया और आप देखेंगे कुछ ही वर्षों में उसमें बहुत चेंज आया। तो मुझे लगता है कि लेकिन दलित समाज ने समझा ही नहीं, अपने प्रतीक भले ही नहीं बनाए हों आदर्श के तौर पे, जो खास करके स्त्रीवाद की एक धारा करती है, उस पर अनुशक्ति से भी और आपकी भी राय लेंगे आगे, लेकिन दलित समाज तो मिथकों के जरिए लड़ रहा है ना, संबुक के जरिए तो लड़ता है ना, के खिलाफ लड़ा नहीं। वो पहला स्टेज था जब हमने जो मिथक थे उसमें भी जो लोग शोषित को निकाल के रखा, एक तरह से समझाने के लिए कि आपके धर्म में ये प्रॉब्लम, आपके धर्म में सीता को जिस तरीके से नकारा गया, आप शंभुक का जिस तरीके से बध गया, एक लव्य के साथ जो अन्याय हुआ, वो एक स्टेज है, उसको हमने मतलब वो लेकर क्या है। लेकिन दूसरी स्टेज ये है कि हम मिथकों को नकारते, क्योंकि मिथकों को नकार के जब तक हम नहीं चलेंगे तब तक हमारी तरक्की भी नहीं होगी, मतलब वो दलित समाज उसी जंजाल में, अंधविश्वास में, पाकड़ में फंसा रहेगा। इस धारा ने एक अब बाबा साहब की जो 22 प्रतिज्ञा है जी, वो इन्हीं चीजों को लेकर जी जी आप बात करें, पूरी करें उसको। हाँ, तो मैं कहता हूँ बाबा साहब ने जो 22 प्रतिज्ञाएं की, वो इस बात को समझते थे कि जब हम एक चीज में जाते हैं तो हम अनेक चीजों में चलते चले जाते हैं, तो बेहतर है कि उसको हम, और हम उसको जड़ से कटना नहीं कहते उसको, हम जो लोग समझते हैं कि अगर हमने उन मिथकों को नहीं माना तो हम जड़ से कट जाएंगे, हम ये उसको जड़ से कटना नहीं कहते, क्योंकि संस्कृति जो है वो चेंज होती है, वो एक जगह नहीं रह सकती है। आपने पुरानी चीजों को नहीं माना तो आप नई चीजें डेवलप कर रहे हैं। अब देखो, कुछ समय पहले सावित्रीबाई फूले को एक वो उस तरीके से नहीं मारा जाता था, लेकिन सावित्रीबाई फूले अब होने लगा है, सरस्वती या सावित्रीबाई फूले। फूले 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 अंबेडकरी आंदोलन जो है वो खास करके फूले ने सबसे ज्यादा मिथकों की व्याख्या की,
और मृतकों को अपने ढंग से समझने समझाने की कोशिश की। बलि आ रहा हूँ मनोरमा जी आपकी ओर, बलि प्रहलाद इससे रिलेटेड है, तो मतलब मेरे मन में ये आ रहा है कि शायद इसलिए बाबा साहब का जो अंतर्द्वंद है आखिर तक साफ हो गया था जब उन्होंने अपनी पत्नी से वादा किया था कि पंढरपुर का जो मंदिर है वो एक नया बना कर देंगे जहां वो जा सके, जिनकी जो उनकी इच्छा थी कि वो पंढरपुर के मंदिर में जाए, तो अंत में वो बुद्धिज्म की तरफ चले गए, नया मंदिर नहीं बनाया। मुझे लगता है कि आप पहली उनकी पहली पत्नी की बात कर रही हैं, दूसरी पत्नी की नहीं, पहली 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 रमा भाई की, रमा भाई, रमा भाई, तो शायद यही अंतर्गत रहा होगा कि परिवर्तन 56 की बात है और वो बहुत पहले उनकी बहुत समय पहले डेथ हो गई थी, तो एक आदमी की, हाँ एक आदमी की यात्रा होती है। तो मैं यही कह रही हूँ कि उनकी उस यात्रा में जब वो पहले वादा भी करते हैं तो ये अंतर्द्वंद ओवर द टाइम खत्म हो जाता है उनका, वो नहीं बनाते हैं वो बुद्धिज्म की तरफ चले जाते हैं। जी खैर, ये यात्रा की बात कर रही हैं, हम कुछ कमेंट्स पढ़ेंगे बीच में, लेकिन अब शक्ति आपकी और मैं आ रहा हूँ और वो एक उससे रिलेटेड कमेंट भी पढ़ लेता हूँ आपको, जो सवाल देने जा रहा हूँ। हरिप्रकाश लाटा जी का कमेंट है, महिला सशक्तिकरण के लिए दुर्गा काली जैसी देवियों के मिथक का उपयोग क्यों नहीं किया जा सकता है? तो मिथकों का जो रीइंटरप्रिटेशन है, जो उसकी पुनर्व्याख्या है, उसके दो तरीके होंगे। एक जो हरिप्रकाश जी कह रहे हैं कि वो उनको और खास करके फेमिनिस्ट आंदोलन की धारा में ऐसा किया, व्याख्या दुर्गा की व्याख्या सशक्ति के फॉर्म में, व्याख्या सशक्त स्त्री के फॉर्म में व्याख्या, इसके खतरे बहुत ज्यादा हैं और जो अनिता जी उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। लेकिन एक जो दूसरी व्याख्या होगी इन मिथकों की, वह होगी जाति के नजरिए से, वो होगी इनके इनके द्वारा कैसे वर्चस्व की सत्ता काम करती है, ये होगी कि इनके द्वारा कैसे अनुकूलन की सत्ता काम करती है। तो दोनों दो चीजें होंगी, धारा से जब हम व्याख्या करेंगे तो ये मिथक खंडित होते हैं, इनका ईश्वरत्व खत्म होता है। ये एक समान जैसे दुर्गा के गणनायिका बताया जाता है, निर्दिति की नगरी बताया जाता है, ऐसा महाराष्ट्र में एक सालों के इतिहासकार हैं, बहुजन इतिहासकार हैं, तो वो इसकी व्याख्या करते हैं। सबसे शोधक मूवमेंट से जुड़े हुए, मेरी आवाज गूंज रही है, आवाज आपकी ठीक है, आपकी ठीक है, एक मिनट, अभी क्लियर है? हाँ अब ठीक है। तो मेरी पिछली बात तो आप समझ सकी ना कि एक सालों की उसकी व्याख्या कर रहे हैं और वो गणनायिका है दुर्गा, तो इनका जो ईश्वरत्व है ना, जो शक्ति की बात करते हैं कि वो सशक्त नारी है, सशक्त स्त्री है, और इस फॉर्म में हम काली को देखें, दुर्गा को देखें, सरस्वती को देखें, तो वो मिथक पुनर्जीवित होता है, ना कि उनका ईश्वरत्व खंडित होता है। जी अनुशक्ति, मैं एक चीज कहना चाहती हूँ कि आप अगर आप देखिए, सबसे पहले लाटा जी का एक सवाल था कि दुर्गा और काली के मिथकों के जरिए क्या स्त्री सशक्तिकरण की बात हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। अगर आप काली जैसी स्त्रियों को अपने, काली बहुत ही उन्मुक्त है, उन्होंने जितने भी औरतों के लिए हिंदू मिथक जितने भी प्रतिमान सेट करता है काली, उन सारे प्रतिमानों का दमन करती है। काली नग्न रहती हैं, काली मदिरा पान करती हैं। आप शुभ निशुभ वाला छठा अध्याय दुर्गा सप्तशती का, दुर्गा ही शुभ निशुभ के लिए कहती है चंड मुंड को कि मैं मदिरा पान कर रही हूँ, आप स्त्रियों के मदिरा पान पर सवाल उठाते हैं, ठीक है? और आप स्त्री काली जो है वो उन्मुक्त है, काली मारती जा रही है रक्त बीज के पूरे वंशज को, अश्वों को मारती जा रही है, रक्तपान करती चली जा रही है, और वो रक्त अश्वों तक ही नहीं रुकी है, वो पूरी तरह से वो जो पूरा एक पुरुषों का जो समुदाय था जिसको वे शत्रु मान गई थी, सबको मारने के लिए उतर पड़ती है। तो क्या स्त्री काली और दुर्गा तो है, उनकी तो प्रतिकूल इस्तेमाल किया जा सकता है, स्त्री विमर्श की परिशाखाएं हैं वे इस्तेमाल करती आ रही हैं, उनका इस्तेमाल स्त्रियों के उत्थान के लिए, पर क्या वे लोग जो वहां पर महंत बनकर बैठे हैं, क्या वे स्त्रियों को उस रूप में स्वीकारने को तैयार है? पहली चीज। दूसरी चीज, संदीप जी मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारी तरह मतलब जितनी भी जो हमारी ईश्वर हैं या फिर राम या कृष्ण नायक हैं, क्यों ना उनको हम क्यों ईश्वरीय दर्जा दें भाई, वो भी एक जीते जाते चरित्र रहे होंगे जिसमें बहुत हद तक
ह्यूमन फॉल्ट्स रहे हैं, मुझे तो कृष्ण के पूरे चरित्र में ह्यूमन फॉल्ट्स नजर आता है, राम के पूरे चरित्र में ह्यूमन फॉल्ट्स नजर आता है। आप कितनी भी कोशिश कर लें, कितना भी ज्यादा उसको ईश्वरीय मुलम्मा चढ़ाने की कोशिश कर लें, मुझे हर किसी में एक ह्यूमन फॉल्ट नजर आता है। तो उन ये जो मिथक के चरित्र स्थापित है उसमें से अपने चुने हुए चरित्र, जैसे सूर्पनखा की बात की अनिता जी ने, या आपने भी बात की, या फिर शंभूक की बात की, उन चरित्रों को स्थापित करने की जरूरत है, उन चरित्रों को इस तरह से हाईलाइट किए जाने की जरूरत है कि वे अधिक ईश्वरीय लगे। और जिस वक्त एक रिलेशन को रिलेशन बनाने की जरूरत है कि आप जानते हैं बाजार है, बाजार मिथकों को बहुत ज्यादा प्रसारित कर रहा है, और हम अभी जिस युग में है बाजार से बाहर हट करके, मतलब अगर हम एक बहुत अच्छा एक बहुत अच्छी उक्ति है बाजार से रिलेटेड, मैंने कभी पढ़ी थी कि बहुत सारे स्कर्ट थे और एक स्कर्ट जो है वो दूसरा रंग का अलग रखा हुआ था, तो एक लड़की आती है वो कहती है मैं बाजार के अकॉर्डिंग ट्रेंडी नहीं पहनूंगी, और दूसरा वो दूसरा स्कर्ट लेके चली जाती है। बाद में पता चलता है कि बाजार जानता था कि जो लोग अलग दिखना चाहते हैं वो दूसरा रंग के स्कर्ट की ओर जाएंगे। तो बाजार हमारी साइकी के साथ इस तरह खेलता है कि जब हम अलग भी चुनते हैं तो वो भी बाजार के मुताबिक ही चुनते हैं। तो काजल की कोठरी पे घुस करके पूरा कालिक है वो साफ करना पड़ेगा। तो वहां पे बहुत आवश्यक है कि मिथक में से अपनी नायिकाओं को चुनने को, दुर्गा का मिथक है, दुर्गा को कृषक की पुत्री के तौर पे स्थापित करने की ज्यादा आवश्यकता है, मनसा को आदिवासियों की नायिका के तौर पे स्थापित करने की ज्यादा आवश्यकता है इंस्टीड ऑफ ब्राह्मण द्वारा स्थापित सत्ताओं के की जगह। जी जी मैं मेरा अपना पोजीशन जो है, मैं सवाल के अलावा और अभी बीच बीच में मैं कुछ कमेंट्स पढ़ लूंगा, तो मेरा अपना पोजीशन आखिरी लक्ष्य के रूप में, यूटोपिया के रूप में अनिता जी के साथ जुड़ जाता है। लेकिन अभी वर्तमान में मेरा अपना पोजीशन है कि मिथकों के री इंटरप्रिटेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि मिथकों के जरिए एक समूह हमलावर है और सांस्कृतिक अनुकूलन कर रहा है, और मैं खुद भी इसलिए नाटकों में मैंने अब तक असुर एक नाटक लिखा, असुर प्रिया एक नाटक लिखा, जी एक नाटक असुर प्रिया लिखा, एक नाटक ओगवती महाभारत की एक कथा लिखा, और अभी हमने पूरा किया है, किसी दिन पाठ करूंगा शूर्पनखा। तो मुझे लगता है कि अभी वर्तमान का जो दौर है उसमें एक एंगेजमेंट की जरूरत है, लेकिन आखिरी लक्ष्य तो मुक्ति की होनी चाहिए किसी भी प्रकार के। आज हम लोग हिंदू धार्मिक मिथकों पे बात कर रहे हैं और बौद्ध धर्म पे, खासकर धम्म प्रवर्तन पे बात कर रहे हैं, क्योंकि कल दो दिवस है, एक विजयादशमी है। अच्छा, विजयादशमी की एक दूसरी व्याख्या भी है, धम्म प्रवर्तन का दिवस तो है ही, और वो अनिता जी खास करके बताएंगी कि किस तरह से इसको यह माना जाता है कि अशोक चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर के आखिरी राजा बृहद्रथ तक 10 राजा हुए मौर्यों के, तो उन 10 राजाओं की हत्या या उनके राज की समाप्ति, हत्या नहीं, उनके राज की समाप्ति के विजय के रूप में भी मनाया जाता है। और दूसरा ये है कि अशोक खुद विजयादशमी मनाते थे, उसके अलग कारण थे, वो दुर्गा के फॉर्म में नहीं, वो बौद्ध परंपरा में विजयादशमी मनाते थे। तो खैर, हम लोग इस पर हिंदू मिथ पर इसलिए बातचीत कर रहे हैं खास करके कि कल धम्म प्रवर्तन दिवस है और विजयादशमी है। मनोरमा, हम आपकी ओर आएंगे, उसके पहले कुछ कमेंट्स पढ़ लेता हूँ। सवाल तो हम आखिर में लेंगे, लेकिन जरूर पढ़ते हैं कमेंट्स, कुछ महत्वपूर्ण कमेंट आ रहे हैं। हालांकि एक तो ये टिप्पणी है कि बहुत सार्वजनिक बातचीत हो रही है, सुधीर रंजन कह रहे हैं, और लाटा जी की टिप्पणी को हम लोगों ने सवाल में शामिल कर लिया था। सुधीर रंजन कह रहे हैं कि धार्मिक मिथकों से मुक्ति ब्राह्मण उसके प्रतिरोध में खड़ा होने का मतलब है, सबसे पहले अपने परिवार मैंने तो म्यूट नहीं किया है। हेलो, मेरी आवाज बीच में गायब हो रही है क्या? हाँ हाँ, बिल्कुल अभी नहीं आ रही थी। जी, नहीं आ रही, आप फिर से कहिए। प्रियंका, फिर से कहिए।
सर्वप्रथम सावित्रीबाई फुले ने स्त्री शिक्षा की प्रथम पाठशाला खोली। हरिप्रकाश लाटा जी कह रहे हैं अनिता भारती जी का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है, ये मिथकों को बिल्कुल ही नकार रही है, यही सही है। मिथकों को माना जाए तो पूरा माना जाना चाहिए, ना मानना हो तो बिल्कुल नहीं मानना चाहिए, पिक एंड चूज नहीं होना चाहिए। इन्होंने इन्होंने अनिता जी का समर्थन करते हुए अपने एजेंडे से अपनी बात कही। रजनी अनुरागी कह रही है कि शास्त्रीय मिथक स्त्री का उत्पीड़न कर हमारे हमारे रेगुलर और बहुत सम्माननीय व्यूअर हैं ये, और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए, लेकिन इनका आग्रह ही हमेशा होता है कि आप सही भी जी, इनकी टिप्पणियां बहुत अच्छी होती हैं, सही दिशा में होती है जी जी, अच्छी अच्छी होती हैं। शास्त्रीय मिथक स्त्री का उत्पीड़न करते हैं, लोक में इस तरह से व्याप्त होते हैं कि उनके चरम उत्कर्ष तक पहुंचने के लिए भी दबाव बनाते हैं। स्त्री से सती सावित्री और सीता के आदर्श को मानने के लिए बाध्य किया जाता है और उम्मीद की जाती है कि वे पितृसत्ताक मूल्यों को यथावत बनाए रखें। प्रियंका सवाल का जवाब है मेरे पास, मैं दूंगी आराम से, मनोरमा जी से बात हो जाए फिर मैं रजनी अनुरागी जी के सवाल का जवाब दूंगी। जी जी जरूर जरूर, ये टिप्पणी है, आगे भी हम लेंगे। मंदिर प्रवेश के लिए प्रियंका सोनकर कह रही है, मंदिर प्रवेश के लिए बाबा साहब ने दलितों के लिए भले आंदोलन चलाया लेकिन बाबा साहब का लक्ष्य था कि दलितों को राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो। जी जरूर। ललिता शाक्य की टिप्पणी है, इस समाज में महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है और दूसरी एक महिला को होलिका के रूप में जलाया जाता है जिसमें बहुत बड़ा योगदान महिलाओं का ही होता है। आगे की टिप्पणियां मैं आप आगे पढ़ूंगा। मनोरमा जी, तो आप थोड़ा सा जो आपके यहाँ आप यदि उसका रिसर्च कर पाई हो तो मैसूर की स्थापना पर आप महिषासुर के नाम पर वहां क्या मिथ है वो उसकी जरा चर्चा आप करेंगे करेंगी। महिषासुर जो है वो जैसा कि नाम से है ये भारत का अकेला ऐसा शहर है जो किसी असुर के नाम पर बसा हुआ शहर है। हालांकि महिषासुर के नाम पर भारत में कई जगह चौराहे या इस तरह का कोई मोहल्ला गली है, ये नहीं है कि नहीं है, कई जगह पर है, पर एक पूरा का पूरा शहर मैसूर जो है वो महिषासुर के नाम पर बना हुआ है। तो बाकी वो जो कहानी है वो तो उसी तरह से है कि दो सुंडन मुंडन ऐसा करके कुछ नाम जिसपे सुंडेश्वरी ऐसा करके नाम मिला था जो बाद में चामुंडेश्वरी बन गया। तो ये भी ध्यान में रखना है कि जो मैसूर के जो राजा लोग हैं वो कहीं मध्य प्रदेश और गुजरात के आसपास के इलाके से यहाँ आकर बसे थे और उन्होंने यहाँ पर आकर के चामुंडेश्वरी की स्थापना की थी, मतलब देवी की स्थापना की थी। और इस तरह से करके मतलब ये एक नॉर्थ का ही जो है वो कल्चर जिसको कह सकते हैं उसका उसको स्थापित किया गया। तो महिषासुर जो उसके नाम पर बसा हुआ शहर, बाकी कहानी उसी तरह से है कि ठीक है उसका संहार किया उन्होंने देवी ने और फिर इसके बाद से पूजा शुरू हुई और लेकिन यहाँ पे मनाया जाता है आयुध पूजा के रूप में दशहरा का दिन जिसमें उसी जो अस्त्र शस्त्र है और इसको मतलब उसकी पूजा की जाती है विजयदशमी के दिन में। और बाकी जो भी कामगार लोग हैं उनके जो भी हमारे यहाँ जैसे विश्वकर्मा पूजा में टूल्स होते हैं या जो भी गाड़ियां होती हैं उन सब की। लेकिन यहाँ पे जैसे कि आप तमिलनाडु में देखते हैं यहाँ पे सरस्वती का इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है, सरस्वती और लक्ष्मी और पार्वती। तो यहाँ पे विजयदशमी के दिन पे इन तीनों का जो है उनकी पूजा की जाती है और कुछ नया शुरू करने चाहे वो कला हो विद्या हो इसको शुरू करने की तरफ में होता है तमिलनाडु में भी। यहाँ हम कर्नाटका में मतलब एक गुड़ियों का वो जिसमें कोई भी आप चरित्र रख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप उसमें देवियों का ही रखें, कंटेम्प्ररी चरित्र भी आप उस पिरामिड में सजा सकते हैं सीढ़ी की तरह है, किसान कुछ भी सजा सकते हैं आप। तो वो डॉल्स को सजाया जाता है और केरल में है, केरल में आज के दिन बच्चों मतलब विजयदशमी के दिन विद्यारंभ के नाम से एक होता है उसमें बहुत बड़ी संख्या होती है 20 से 50 हजार तक होते हैं और इसमें हिंदू मुस्लिम ईसाई कोई भी किसी भी रिलीजन के बच्चे हों उस दिन विद्यारंभ करते हैं और प्रीस्ट भी कोई भी हो सकता है, मुस्लिम प्रीस्ट भी हो सकते हैं जो हिंदू बच्चे को उनके मुंह में अक्षर डालते हैं
एक सोने की अंगूठी से, या फिर हिंदू प्रिस्ट भी हो सकते हैं जो मुस्लिम बच्चे या ईसाई बच्चे के मुंह में मतलब अक्षर डालते हैं। तो ये इस तरह से विद्या शुरू करने का दिन है। और जहां तक बाली और उनकी बात कर रहे थे, वो इस वक्त में नहीं होता है, वो ओणम के लिए होता है। जबकि मतलब बाली जो है, हाँ बाली जो है वो आते हैं और उनके स्वागत में आपका पूरी अल्पना और ये सारा कुछ बनता है और उनका स्वागत किया जाता है एक दिन के लिए। वहाँ भी जो दक्षिणपंथी वहाँ जो दक्षिणपंथी फोर्स है वो कोशिश कर रहा है बामन और बलि की कथा से बामन की सुप्रीमेसी को कायम किया जाए। ये केरल में शुरू है। हाँ लेकिन बहुत अभी बहुत ज्यादा कामयाब नहीं हो पाए क्योंकि वो चीजें इतनी अच्छे तरीके से गुथी हुई है ना कि अभी बहुत जैसे कि मंत्र तक जो है ना वो जैसे कि संस्कृत में ही है जो ईसाई बच्चे के लिए भी इस्तेमाल होता है और मुस्लिम बच्चे के लिए भी इस्तेमाल होता है। और केरल में उससे ज्यादा स्ट्रांग परंपरा मोपिला रामायण की है। मोपिला रामायण जो है उस वक्त में खेला जाता था। अब उसको लेकर के ये कॉम्युनल पॉलिटिक्स के कारण जो है इसको नुकसान पहुंचा इस कला को। इसमें था कि सीता सूर्पनखा के प्रसंग को बहुत अलग तरीके से कहा गया है। अभी से 100 साल 200 300 साल पहले कहा गया है, जबकि उसमें कहा जाता है कि शरिया में तो ऐसा नहीं होता है कि मतलब जो शरिया की कानून के हिसाब से तो गलत है कि लड़की अपना वो चुने तो आप उसका नाक कान काट दें। तो मतलब कि उस रामायण में शरिया का भी जिक्र है, मोपला रामायण में जी। तो केरल में वो एक परंपरा रही थी जो कि बहुत अच्छी थी। ठीक है मनोरमा, हम आपकी ओर फिर आएंगे। एक लाइन और कि यहाँ पे बहुत मतलब कि उस तरह से नहीं है जैसे कि ओबीसी एक है तमिलनाडु और इन सब के, तो वो ये मानते वो दिवाली भी नहीं मनाते हैं उस तरह से। वो दिवाली में भी हमारी तरह का उनका वो कॉन्सेप्ट नहीं है कि राम जी के विजय की खुशी में इस तरह से नहीं है उनका। वो रावण के लिए मनाते हैं और ये दशहरा को भी लेकर के जो है उनका वो उनका दूसरा कॉन्सेप्ट है, हमसे उलट कॉन्सेप्ट है और वो एक्सेप्टेबल है उनका इस तरह से है और उसको लेकर के कोई वो नहीं है मतलब कि उनका है वो उस तरह से ही। जी अनुशक्ति आप किसी सवाल का जवाब देना चाह रही थी आप उसी सवाल जी संजीव जी अमिता भारती की ओर जाएंगे जी। जी मैं रजनी अनुरागी जी के सवाल का जवाब देना चाह रही थी, उससे पहले आपके पास एक लगातार टिकर चल रहा है स्क्रीन पर, केरल में सांस्कृतिक राष्ट्रवादी बलि की जगह वामन की प्रतिष्ठा की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे ना बहुत बहुत छोटी थी तब से पंडित जी रक्षा सूत्र पढ़ते थे और कहते थे यन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वा मनुपदनामी रक्षवांचल माचल। तो जिस आप कैसे जिसको आपने ऑलरेडी स्थापित कर दिया है एक हीरो के तौर पे, बलि हीरो के तौर पे स्थापित है, वे मैं हमेशा चौंकती रहती हूँ कि वे किस तरह से एक हीरो को ही रिप्लेस करेंगे। खैर वामन को तो छल अवतार भी माना जाता है। खैर हम आगे बढ़ते हैं रजनी अनुरागी जी के सवाल पर। रजनी अनुरागी जी का कहना है कि सीता जो है वो पति की बात मानते हुए पितृसत्ता को स्थापित करती है। मैं यहाँ से कहूंगी कि सीता को पाठ करें, सीता जो है आखिर में अपने दोनों सीता और एक बहुत सुंदर पक्ष है कि सीता से मिलने के लिए लक्ष्मण आते हैं और सीता का संवाद होता है, वहां पे सीता कटाक्ष करती हैं। और दूसरा एक पक्ष ये है कि जब राम आते हैं और पूछते हैं लव और कुश कौन है, तो सीता जो है वो चिढ़ करके धरती में समा जाती हैं। तो आप इसको धरती में समाने को आप ये भी कह सकती हैं कि सीता उस वक्त राम को अपने बच्चों को देती है, जाओ कमबख्त तुम इतने बेगैरत हो कि अपने बच्चों को संभालो, मैं तुम्हारे बच्चों को छोड़ के जा रही हूँ। पाठ करना हमारे ऊपर है, आप अगर उसी तरह से पाठ करेंगे जिस तरह से करवाया जाता जा रहा है तो समस्या होगी ही, उसको नए तरीके सीखे। मुझे कभी भी ये ऐसा नहीं लगा कि सीता कह रही है कि ओ मैं राम के डर से, राम ने मुझसे ऐसा कैसे पूछ लिया, मेरी लज्जा पर ऐसे कैसे सवाल उठा लिया तो मैं धरती में चली जाती हूँ। सीता तो ऑलरेडी कुपित थी कि भाई मैं वहां अनुशक्ति मैं अपनी बात कहते हुए अनिता जी की ओर जाऊंगा, उसके पहले कुछ कमेंट्स और पढ़ लूंगा कि ये जो शास्त्रीय मिथ है ना या महाकाव्यों के जो मिथ है उनका रीइंटरप्रिटेशन तो जरूरी है ही, ठीक है किया जाना चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी मुझे ये लगता है कि जो अनिता जी का जो लक्ष्य है या जो दलित स्त्रीवाद का लक्ष्य है या दलित आंदोलन का जो लक्ष्य है वो आखिरी आदर्श है, वो तो आखिरी आदर्श है पर उसकी ओर जाने का एक तरीका जो धर्म प्रवर्तन के जरिए जो महिलाओं का एक सांस्कृतिक
नए सांस्कृतिक संदर्भों से जुड़ाव होता है तो उसके असर देखने को मिलते हैं। इसके बावजूद बड़ी संख्या खास करके हिंदू मिथों के साथ जुड़ी हुई महिलाएं आज भी हैं, और हिंदू मिथों की बात मैं नहीं करूंगा, यदि दलित समुदाय है तो पूरा का पूरा दलित समुदाय अभी भी बौद्ध नहीं हुआ है, या जो पिछड़ों का समुदाय है वो बौद्ध नहीं हुआ है। तो ये सवाल लेकर हम आगे आएंगे, सवाल क्या क्रिएट होता है अनिता जी से पूछते वक्त सवाल करेंगे। पहले मैं कुछ कमेंट्स पढ़ लेता सुधीर रंजन, क्या पत्थर की मूर्ति भी रजस्वला होती है जैसे कामाख्या देवी की कथा, इसकी वैज्ञानिकता क्या है? वैज्ञानिकता तो होनी ही नहीं है उसका, उसके उसके उसकी सामाजिकी का पाठ किया जा सकता है, वैज्ञानिकता का तो कोई अर्थ ही नहीं है। ये सवाल मैं आप लोगों की ओर नहीं दे रहा हूं। सीता के धरती में समाने की प्रक्रिया स्त्री के स्तर पर स्त्री का प्रतिरोध है, आपने कहा, ये रजनी अनुरागी कह रही है, इसे इस रूप में भी देखा जाना चाहिए कि सीता ने राम के साथ रहने से पूर्णतः इनकार किया और मर जाना बेहतर समझा। तो ये इसकी ये बात तो आपने अपने तरीके से कही अनुशक्ति। प्रियंका सोनकर कह रही है, देवी का गढ़न और गठन सब ब्राह्मणवादी पितृसत्ता की निर्मिति नहीं लगती, भले ही वो काली हो या दुर्गा। ये सवाल अभी हम अनिता जी की ओर लेकर जाएंगे प्रियंका, इसकी ही पृष्ठभूमि मैंने अभी तैयार की है। उमाकांत चौबे कुछ कह रहे हैं, वास्ट हैंड्स पता नहीं। उमाकांत चौबे का कमेंट आप सामने लाए अरुण। वो उनका पूरा कमेंट स्पष्ट नहीं है, कुछ लिखा है उन्होंने वास्ट हैंड्स, उसके पहले भी कुछ है। शुक्ला अंतु अंतिमा कह रही है, देवी की संकल्पना शक्ति का भ्रम अवश्य देती है लेकिन वास्तविक शक्तिकरण मैंने ऐसा कहा ही नहीं है। लाता जी कह रहे हैं एजेंट, मैंने शायद ऐसा कुछ कहा नहीं है। मैंने कहा था वो कंफ्यूज कर गया लगता है। बहुत सारा टेक्निकल प्रॉब्लम है। आज है लगता है कि आज सबके सब बैठ करके घर में बैठ इंटरनेट नेटवर्क का थोड़ा इशू है। मनोरमा जी आप कुछ कमेंट्स, नेटवर्क का इशू है, आप बीच में कमेंट्स ले लिया करिए मनोरमा जी। ठीक है, हाँ मैं पढ़ रही हूँ। तो ये हरिप्रकाश लाठर जी कह रहे हैं, आप अब पढ़ पा रहे हैं या मैं पढ़ रही हूँ? बनारस में भी महिष्मति के नाम से मंदिर है, बाहुबली फिल्म में जिस महिष्मति साम्राज्य की चर्चा है वास्तव में पौराणिक कथाओं में महिष्मति नगर की चर्चा है। खैर आगे फिर से हम लोग, एक महिषी तो हमारे बिहार में भी है, महिष्मति नहीं है महिषी है। महिषी वही है जहाँ पे मंडल शंकराचार्य का रथ रुका था, महिषी भारती मंडल। मैं वही की इस लॉट का आखिरी कमेंट मैं पढ़ लेता हूँ, फिर आगे कमेंट्स को आगे पढ़ूंगा। प्रियंका सोनकर का कोई कमेंट था, अभी आया था, उसके बाद फिर हम लोग। मुझे राजेंद्र यादव की पुस्तक आदमी की निगाह में औरत का फ्लैप याद आ रहा है, जिसमें पुरुष स्त्री को किस रूप में देखता है या उधर ही संकेत करता है कि स्त्री को या तो देवी या फिर वेश्या के रूप में देखता है। ठीक है, तो सवाल अब अनिता जी आपकी ओर, उसकी पृष्ठभूमि मैंने बनाई थी कि एक तो शास्त्रीय मिथ है, जैसे जो लोक के पर्व है, लोक के जो उल्लास है, ये यहां तक कि दुर्गा की जो पूजा थी
वो सीधे सीधे दुर्गा की छवि के रूप में पूजा नहीं थी, वो कृषि पूजा थी, जो बाद में बंगाल में 18वीं सदी में इस रूप में दुर्गा पूजा डेवलप होती है। या होली, होली का जो त्योहार है उस पर एक कथा डाल दी जाती है प्रहलाद की और होलिका दहन, और एक क्रूर कथाएं, और ज्यादातर शास्त्रीय मिथों में क्रूर कथाएं डाली गई। लेकिन एक बड़ा लोक समुदाय है, दलितों का भी समुदाय है, पिछड़ों का भी समुदाय है, जिसके अपने मिथक हैं, जिनका अपना एंगेजमेंट है, जो एक सवाल के तौर पे शायद अंतु ने या प्रियंका ने कहा था कि हर बार जो देवियां हैं वो शास्त्रीय देवियां ही नहीं है, उसको आप कैसे देखती हैं, क्या उससे एंगेज होने की जरूरत नहीं है? उनकी खोज, किस तरह से समाज उनको देख रहा है, किस तरह से अभिव्यक्त हो रहा है, अनिता जी आपका ये माइक ऑन कर लें, माइक आपका ऑफ है, हो गया ऑन? जी जी अच्छा देखो दो बातें हैं संजीव, एक तो आप जिन शास्त्रीय मिथकों की बात कर रहे हो, ठीक है, मैं उसमें मानती हूँ कि कोई भी ऐसा ग्रंथ नहीं है जो महिलाओं ने लिखा हो। क्या सीता का चरित्र उसने खुद लिखा है अपना, या द्रौपदी का चरित्र द्रौपदी ने खुद गढ़ा है? कोई भी आप हमें उठा के देखो तो कोई चरित्र महिलाओं के द्वारा बना हुआ नहीं है। फिर हम कैसे कहते हैं कि ये महिलाएं हमें सशक्त करती हैं? ये सारे चरित्र जो है वो पुरुषों के द्वारा गढ़े गए हैं और अपनी सुविधा के अनुसार गढ़े, ये हम सब जानते हैं अपनी सुविधा के अनुसार, नंबर एक ये बात। नंबर दूसरी बात ये है कि ये जरूर है कि हमारे दलित पिछड़े समाज में कुछ ऐसी चीजें हैं जो उनके अपने परिवार के, जैसे परिवार में कोई बहादुर महिला हुई उसको उन्होंने कुल देवी मान ली, तो उसमें फिर भी ये सोचा जा सकता है कि 3-4 पीढ़ी पहले कोई जरूर रहा होगा जिसके नाम पर ये सब चीजें चल रही होंगी। लेकिन हाँ, अगर वहां भी उस तरीके से मिथ है या अंधविश्वास है या उसके नाम पर, तो मैं तो उसका भी विरोध करती हूँ। लेकिन जैसे कई लोग यहाँ कुल देवी की पूजा होती है, कुल देवी मतलब उनके अपने परिवार का कोई व्यक्ति या कोई अपने समुदाय का कोई व्यक्ति, जो जैसे मान लीजिए मैं कहूंगी कि बिरसा मुंडा है, ठीक है, बिरसा मुंडा एक मिथ नहीं है, लेकिन बिरसा मुंडा जो है वो नायक है। मैं फिर वही बात पे आ जाती हूँ संजीव, कि हम जो है ना मिथक जो है ना हमें कहीं लेके नहीं जाते, हम एक अंधी गुफा में घुस जाते हैं। और अगर हम मिथकों को मानने लगे, हमारा सशक्तिकरण करते, तो कमला भसीन का एक एक दो लाइनें हैं, यूं तो है इस देश में देवियां बेशुमार पर कर न पाई औरतों का एक भी बेड़ा पार। तो मैं इसको इस तरीके से देखती हूँ, मुझे लगता है मेरे लिए पंडिता रमाबाई, पंडिता रमाबाई जो सिंगल मदर है, जिसने अपनी बेटी को पाला, जिसने पूरे भ्रूण हत्या पे काम किया, 1900 में भ्रूण हत्या पे घूम घूम के काम किया अनेक स्टेट में, मेरे लिए वो एक सिंगल मदर का उदाहरण है। मेरे लिए सावित्रीबाई फूले एक सामाजिक कार्यकर्ता उदाहरण, रखमा बाई उदाहरण है, जिसने अपने राइट के लिए कोर्ट तक जाकर के अपने अधिकार पाए, मेरे लिए ये औरतें बहुत मायने, और मैं जब इनकी कहानी लोगों में सुनाती हूँ तो औरतों को बहुत प्रेरणा मिलती है। मुझे तो मैं मेरी समझ में यहाँ तक कहती है, और हम जो है वो जीते जागते पैनल, और मैं भी आपसे पूरी तरह सहमत होने के बावजूद ये सवाल कर रहा हूँ कि जो मिथक बहुजन स्पेस के जो मिथक हैं, आप जैसे रकमा बाई हैं या सावित्री बाई हैं या पंडिता रमा बाई हैं, या उसके पहले जो भी डॉक्यूमेंटेड महिलाएं या दलित वेलर की कहानियां हैं, गोंड महारानियों की कथाएं हैं, तो जो डॉक्यूमेंटेड है वो तो ठीक है, लेकिन जो डॉक्यूमेंटेशन के पहले के का जो इतिहास है, संस्कृति है, क्या उसको हम इन मिथों के जरिए नहीं समझते हैं? मैं शास्त्रीय मिथों को अलग कर रहा हूँ, देखिए मैं आपको फिर एक बात कह रही हूँ, मैं जो भी देख रही हूँ अपने, मैं महिला आंदोलन दलित आंदोलन के नजरिए से देखती हूँ, अगर आप मिथकों को मानते हो, अगर आप महिषासुर को मानते हो तो आपको दुर्गा को भी मानना पड़ेगा, वो फिर वही एक सब चीजें हैं। और मुझे लगता है कि जब तक हम इनका विकल्प नहीं खोजते, विकल्प हमारे सामने है लेकिन हम जो है
अपने अतीत से कल्पना चावला नहीं है जो मात्र छोटी सी एज में जिसने इतनी बड़ी उपलब्धि की चली गई, पूलन देवी नहीं है जिसने काली के सामने, अगर हम पूलन देवी को खड़ा करें तो कम मायने रखती है क्या, या कम उसकी आप जो देवी है अपने अधिकारों के लिए खड़ी हुई, जैसे कि सती खड़ी हुई तो क्या रखवा भाई नहीं खड़ी हुई क्या, क्या हम परिदृश्य नहीं बदल सकते क्या? और ये हमारे जीवन से बिल्कुल लगातार हमारे सामने है, जिनको हमने देखा है, कि हमने पढ़ा है, जिनके कल्पना में जब जीते हैं तो उसका कोई अंत नहीं होता, लेकिन जब हम यथार्थ की बातें करते हैं तो उसमें एक चीज होती है जो कि सच पे आधारित होती है, जो हम देखते हैं सामने उनके पूरे संघर्ष को देखते हैं। मैं भी कतई इनके मानने के पक्ष में नहीं हूं, पुनर्व्याख्या का अर्थ ये कतई नहीं है, कि इनको एज इट इज या थोड़े सुधार के साथ मान लिए जाए। मैं पुनर्व्याख्या शब्द से ही मुझे प्रॉब्लम, पुनर्व्याख्या जब हम करते हैं तो हम उससे मुक्ति नहीं पाते, हम जस्टिफाई करते हैं चीजों को, जब भी हम पुनर्व्याख्या करते हैं तो हमारे जो पेट्रियाकल वैल्यू है उनको हम जस्टिफाई करने लग जाते हैं जी, और ब्राह्मणिकल वैल्यू जस्टिफाई करते हैं। जो ये विषय रखा और हमारा जो मानना है, निजी मानना भी है, कि जो लोक मिथ हैं, लोक साहित्य हैं, धार्मिक मिथ हैं, उनको हम वैसे ही उसके जरिए हम ऐसे इतिहास, ऐसे समाज, ऐसे संस्कृति का अनुसंधान करते हैं जो डॉक्यूमेंटेड नहीं है, और दलित बहुजन समुदाय के पास जो डॉक्यूमेंटेशन का अभाव रहा है वो गीतों के जरिए और इनके जरिए अभिव्यक्त होते रहे। ये मेरा अपना पर्सनल मानना है, आपसे सहमति के बावजूद कि मैं इसको इस तरह से देखता हूं कि इन मिथों के साथ जो शास्त्रीय मिथ नहीं है उनके खोज की जरूरत है, उसके जरिए अनुसंधान की जरूरत है, और दूसरी बात जो प्रतीक हमारे बनेगी वो सरस्वती नहीं सावित्री बनेगी, रखमाबाई बनेगी या दूसरी, मेरा यह मानना है। खैर, मैं अपने मानने को आपकी ओर आगे नहीं बढ़ा रहा हूं, मैं अनुशक्ति की ओर पहुंचता हूं, और कई सारे कमेंट्स आ रहे हैं, मैं सारे कमेंट लेना चाह रहा हूँ, उसके बीच बीच में कमेंट पढ़ता जाऊंगा। ललिता साख, रामायण की उर्मिला 14 वर्ष तक किस स्थिति में थी, जब सीता की बात की जाती है तो उर्मिला कहीं भी क्यों नहीं आती, सही, उर्मिला पे थोड़ा मैथिली शरण गुप्त ने बात की लेकिन अलग तरीके से, वहां तो सेक्सुअलिटी का सबसे बड़ा उर्मिला, राम की बहन शांता भी, राम की बहन शांता बिल्कुल, जो कि जिनके पति श्रृंगी थे और जिनके आधार पर श्रृंगेश्वर हुआ है, जबकि शांता के होते हुए भी शांता बिटिया थी उनकी, फिर भी राम पुत्र कामिष्टि यज्ञ हुआ था, यही सबसे बड़ा लड़कियों के प्रति अन्याय है। आप मांडवी, उर्मिला ही नहीं, मांडवी और श्रुतकृति जी, इन सबके सेक्सुअलिटी का सवाल सबसे बड़ा है, शादी के तुरंत बाद बड़ा भाई जंगल जा रहा है तो ये 14 साल सबके सब चले जाते हैं, और बिल्कुल मांडवी को देखिए, भरत की पत्नी भाई जमीन पे सो रहा है तो मैं उसे नीचे सोऊंगा, दो हाथ, और सबको बच्चे तब सबके बच्चे तब होते हैं जब राम का बच्चा हो जाता है, एग्जैक्टली जी, हरिप्रकाश लाटा का वो पढ़ लिया हम लोगों ने, बनारस में महिष्मति, एक मिनट, बाली भी महाराजा थे, बड़ा अच्छा कमेंट है प्रकाश जी का, जी जी, अनीता जी का स्टैंड कुछ अतिवादी है, अनीता जी का स्टैंड वास्तविक है, उन्हें शुक्ला, लेकिन अनीता जी का स्टैंड जब हम आदर्श है, एग्जैक्ट स्टेट वही है, वही स्टेट है, हम लोग सब वही पहुंचना चाहते हैं, ये सारे रास्ते हैं वहां तक पहुंचने के, उन्हें शुक्ला कह रहे हैं, अनिता जी का स्टैंड कुछ अतिवादी है, मैं जवाब दे रहा हूं
कि अनिता जी का स्टैंड वास्तविक है और यथार्थ के पास है और आदर्श वही है। अत्यंत महत्वपूर्ण एवं सार्थक चर्चा। संजीव जी सही है, इतिहास को खंगाला जाए तो जाति आधार पर दलित बहादुर नायिकाओं को सामने लाया जा सकता है, ये हरिप्रकाश मेहता ही कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और यही होना भी चाहिए। अब जैसे कि मैं आपको मनसा देवी की बात रखी, मनसा देवी आदिवासियों की नायिका है, वो आदिवासियों के उस समुदाय से अगर आप जाएंगे, भट्टाचार्य, उनका पूरा नाम भूल रही हूँ, एक भट्टाचार्य है, उनकी पूरी किताब है मनसा देवी पर। मनसा देवी जो कि बंगाली समुदाय की बहुत बड़ी नायिका है, बहुत बड़ी देवी है, सांपों की देवी है, जिनको सांपों की देवी के रूप में जिनकी पूजा होती है। मनसा देवी वास्तविक तौर पर आदिवासियों के उस समुदाय से आती है जो विश निकालता था, जो जहर निकालता था। क्या वैसी नायिकाओं की खोज नहीं होनी चाहिए? क्या मिथक से उस उन चीजों को अलग नहीं किया जाना चाहिए? क्या बताया नहीं जाना चाहिए कि ब्राह्मणों ने चीजों का, ब्राह्मण मिथक ने जिस चीजों का अतिक्रमण किया है वो दरअसल में कितने भिन्न है? वो मनसा देवी को पुराण में उनको उनकी पुनर्व्याख्या कर, यदि आप अनुशक्ति आप जो कह रही है कि उनको उनकी खोज करके एक आदर्श के फॉर्म में रखा जाए, वह हो या ना हो, लेकिन इतनी तो जरूरत मुझे लगता है अनिता जी पुनर्पाठ के लिए। जैसे गया में श्रृंगी ऋषि का आश्रम है और श्रृंगी श्रृंगी देवी या कोई देवी है जो नाम से भी मुसहर महिला और मुसहर पुरुष दिखते हैं, और वहां पर फिर हिंदू धार्मिकों का कब्जा हो चुका है। वहां दरअसल सुजाता का गढ़ है, सुजाता गढ़ के पास वो मंदिर है और सुजाता वहां है, और सुजाता को बुद्ध से वहां मुलाकात होती है, और जो खीर वीर की कथा है मैं उसको मानता हूं कि एक बातचीत हुई होगी, शास्त्रार्थ जैसा कुछ हुआ होगा। तो वो वहां की, तो उसको कैसे ब्राह्मणवादी मिथों के जरिए, ब्राह्मणवादी वर्चस्व के जरिए उस पर कब्जा होता है, उसके लिए हमको श्रृंगी ऋषि का इतिहास तो देखना होगा। देवी का नाम कुछ और है, वो मुसहर वहीं पर मुसहर है। संजीव तो गौतम बुद्ध तो हुए है ना, मिथक नहीं है वो। जी तो जो नहीं, गौतम बुद्ध हुए लेकिन जिस ऋषि को बनाया गया, हाँ सुजाता भी मिथक नहीं है, लेकिन जो 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 श्रृंगी ऋषि मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, श्रृंगी ऋषि या कोई और, मैं अचानक नाम भूल रहा हूँ, जो देवी है उस देवी को तो डिकोड करेंगे ना, उसका पुनर्पाठ करेंगे ना गौतम बुद्ध के समय को समझने के लिए। वो पूरा मुसहरों का इलाका आज भी है, पहले भी रहा होगा, क्योंकि वो देवता पूरा बिहार भोजपुर इलाका जो भोजपुरी स्पीच वाला इलाका है वो गोरैया बाबा की पूजा करता है। गोरैया बाबा जो है वो दलित देवता है, उसमें आदिवासियों का कब्जा होता जा रहा है, पर क्या जरूरी नहीं है? गोरैया बाबा तो मिथक के तौर पे है, उनका कोई लिखित इतिहास नहीं है, पर वो दलित नायक है, तो जरूरी है कि उनका भी इतिहास लिया जाए, उनके बारे में भी बात की जाए। मैं संजीव कंफ्यूजन थोड़ा दूर करो कि जो वास्तव में हुए हैं और जो पौराणिक मिथक है उनमें फर्क है ना। आप जो हमारे जो नायक हुए, जो 17वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में, 21वीं नायक है, वो सच में उनका जन्म दिया है, लेकिन मिथक बिल्कुल अलग है। मिथक और उनमें फर्क है, ये हम कंफ्यूजन दूर करें पहले। अगर कोई जैसे मैं दिल्ली का ही एक आपको बताती हूँ, नहीं सुनिए, दिल्ली का एक खेड़ा कला गाँव है, वहां पर एक बाबा नन्हे नाथ थे, अभी कुछ 50-60 साल पहले ही उन्होंने वहां जाके बच्चों के लिए छोटा सा स्कूल के लिए प्रयास किया और रेलवे का एक स्टेशन बनाया, तो स्टेशन का नाम हो गया बाबा नन्हे नाथ। लेकिन जो लोग हैं उनके नाम पे खाना वाना देते हैं, तो वो मिथक नहीं है, 50 साल पहले हुआ है, वो एक आइडियल है हमारे। उन्होंने सच में समाज में कुछ ऐसा किया कि लोग उनके नाम पे चल पड़े। लेकिन मैं मिथक जो है वो पौराणिक वो पात्र है, आप थोड़ा सा इसको समझिए, मिथक कौन है? पहले तो मैं वही पहले एक जो एग्जैक्ट आधुनिक चरित्र हैं, यानी अनिता जी जो एग्जैक्ट आधुनिक चरित्र हैं, वो मिथक के फॉर्मेट डेवलप भी नहीं होते। मैं जिस ऋषि और जिस देवी की बात कर रहा हूं, वो यदि बुद्ध काल, यदि ईसा पूर्व की देवी है वो, और ईसा पूर्व की देवी वो दिखती है कि वो देवी नहीं होगी, वो जरूर बौद्ध महिला होगी, वो मुसर जाति की कोई विदुषी होगी, तो उसको तो वो एक मिथक, उससे तो इंगेज होंगे ना, वो यथार्थ है कि नहीं पता नहीं, लेकिन हाँ, मिथक के फॉर्म में हमारे हाँ, वो एक कहानी चली, लेकिन मैं उसको मिथक नहीं मानूंगी। नहीं नहीं, कैसे नहीं मानेंगी? उसका कोई डॉक्यूमेंटेड, जिसका डॉक्यूमेंटेड प्रूफ नहीं है वो तो मिथक ही है ना, धार्मिक मिथ है।
हाँ जिसका प्रागैतिहासिक काल की जिसका भी डॉक्यूमेंटेड वो नहीं है वो मिथक है, सिंपल तौर पर मिथक हमेशा प्रेरित होते हैं ये लोगों से। तो आपको हमेशा दुर्गा सप्तशती में जो वर्णित मिथ है वही मिथ नहीं होगा, दुर्गा सप्तशती के बाहर जो मिथ क्रिएट हुए हैं बने हैं वो भी तो मिथ होगा। खैर इसको हम इस फॉर्म में डिबेट के फॉर्म में नहीं ले जाएंगे। एक सवाल अनिता जी आपसे ही कि जब बौद्ध धर्म का प्रवर्तन होता है उसमें फिर महिलाओं में आप क्या बदलाव देखती हैं, जबकि कई बार हम महाराष्ट्र के अनुभव से हम देखते हैं कि कई घरों में लक्ष्मी की पूजा भी हो रही है आज भी इस पीढ़ी में। ठीक नागपुर के बगल में एक भिक्तु बाबा पैदा हो गया है, वो बौद्ध 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 देवता टाइप से हो गया वो, जबकि वो एक पागल किस्म का एक इंसान था जिसको वहां बौद्ध महिला पुरुष पहुंचते हैं। तो कितना असर डालता है यदि ये धम्म प्रवर्तन के जरिए क्या आमूलचूल परिवर्तन हो जाता है? देखो आमूलचूल परिवर्तन तो नहीं होता। दूसरा मैं ये कहूँ कि ये एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में जाने की का कोशिश है, तो ये बड़ा लंबा काल होता है और बड़ी चीजें धीरे धीरे बदलती हैं। तो हो सकता है कि दो चीजें एक साथ दिखे लेकिन हो सकता है कुछ समय बाद वो ना दिखे। तो इसको हम कहते हैं संक्रमण काल, कि हम जो है हमारी थिंकिंग चेंज हो रही है। कोई भी संस्कृति बनने में बहुत टाइम लगता है, तो वो एक ऐसा पीरियड है कि लोग देखो मैं तो अभी हमने 5-6 दिन पहले महिलाओं की स्थिति में बौद्ध धर्म से क्या चेंज आया उस पर छोटी सी टॉक रखी थी। तो उसमें जो औरतों ने बताया, जो हमारी महिलाओं ने बताया कि हमने जो था जो हमारे फालतू के जो खर्च थे वो हमने बच्चों के एजुकेशन पे खर्च किया, जो बहुत सारे धार्मिक उत्सवों पे खर्च होते थे हमने बच्चों की पढ़ाई लिखाई पे किया और हमने पाखंड और अंधविश्वास और इन सबसे मुक्ति पाई। लेकिन ये भी एक प्रक्रिया है, ये भी एक जर्नी है कि हम 20 सालों में इससे मुक्ति पाते हैं, 25 सालों में पाते हैं। हमारी हो सकता है हमारी जो शुरुआत है वो बहुत ज्यादा पूजा पाठ से शुरू हुई, लेकिन आते आते 10-15-20 सालों में इतना चेंज आया कि उससे हम मुक्ति पा चुके। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, तो इसलिए हमें लगता है कि ये दो चीजें कैसे चल रही है, लेकिन एक समय आएगा जब चीजें क्लियर होती है। तो मुझे ऐसा लगता है जब लोग कहते हैं कि यहाँ पे शादी में भी मैं एक उदाहरण दूं कि जब शादियां होती हैं तो एक बुद्धिस्ट शादी हो रही है और एक हिंदू शादी हो रही है और लोग कहते हैं कि तो धीरे धीरे जो है ना वो शिफ्ट होगा, अगर लोग शिफ्ट करें तो धीरे धीरे ही होगा, एकदम से तो नहीं होता, लेकिन कहीं कहीं पे बहुत ज्यादा एकदम। लेकिन एक साथ साथ इस अटैक से भी झेलने की जरूरत है। अभी वो गुजर गए नागपुर में, एक बड़े अच्छे अम्बेडकराइट और समता सैनिक दल चलाते थे वो, और उस समय भी पैंथर आंदोलन से जुड़े रहे। हाँ। तो और बड़े अच्छे एनसाइक्लोपीडिया थे, तो वो कह रहे कि क्या करें, खतरा ये है। मैं उनके यहाँ गया हुआ था, ठीक ये धम्म प्रवर्तन दिवस नहीं गणेश चतुर्थी के दिन, तो बोल रहे हैं कि मेरा बेटा वो गया हुआ है, उसको वो नाच गाना अच्छा लगता है, अब युवा लड़कों के साथ वो चला गया। तो ये जो अटैक है ना, इस अटैक के काउंटर की सबसे ज्यादा जरूरत है, और मैं सहमत हूँ कि धीरे धीरे प्रोसेस होता है। मैं आप लोगों की आप दोनों की आखिरी टिप्पणी लूंगा, इसके पहले 2-3 और कमेंट। और मैं इसी में संजीव इसी में मैं एक बात कहना चाह रही थी कि जितने भी हम देखते हैं कि जो मतलब जो एक तो जो हमारे पौराणिक और वो मिथक है उनके साथ साथ जो लोक जीवन में गढ़े गए, लेकिन कई बार ऐसा भी हो रहा है कि वो लोक जीवन में जो गढ़े गए वो पूरा ब्राह्मणिकल तरीके से ही, मतलब ये है कि सारा कोऑप्ट करने के लिए भी हुआ ये सारा, कि अगर ये नहीं मानते तो ये मानो, ये नहीं मानते तो ये मानना है। तो ये भी एक तरीका हुआ है जिसमें बहुत सारे लोगों को पैरेलल चलते गए हैं वो। ये यहाँ के हिंदू परंपरा का, हिंदू धर्म जैसा क्या, लेकिन हिंदू परंपरा का एक ताकत रही है। हाँ। कि वो असिमिलेशन हाँ। उसी तरीके से करता है, अब्जॉर्ब कर लेता है चीजों को, अपने विरोधियों को भी। जैसे हाँ। विष्णु पुराण या शास्त्रीय परंपरा में एक दर्शन है कि जो राम का विरोधी है वो भी सालों की मुक्ति की प्राप्ति करेगा, यानी जो राम का भक्त है वो तो जाएगा ही जाएगा स्वर्ग, उसको तो मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन जो विरोधी है रावण को भी सालों की मुक्ति मिलेगी, यानी वो भी दोबारा पैदा नहीं होगा, विष्णु में जाके मिल जाएगा। तो ये एक सिस्टम है जो उसको आप अनुसार करने का एक प्रक्रिया है। 2-3 कमेंट्स में पढ़ करके और आखिरी टिप्पणी आप दोनों की लूंगा। रजनी अनुरागी कह रही है, लोक में मिथक बेसिक डॉक्यूमेंटेड नहीं, परंतु शास्त्र उनका अपने हितार्थ इस्तेमाल करके अपने प्रचार तंत्र से, जो कि निश्चित ही राज सत्ता और धर्म सत्ता के माध्यम से परिवर्तित कर लोक में पुनः पहुंचा दिया जाता है, तो उसका परिप्रेक्ष्य ही बदल जाता है। प्रियंका सोनकर कह रही है, कल हम लोग दलित स्त्रीवाद पे बात कर रहे हैं, ठीक इसी समय 7 बजे
प्रियंका सोनकर कह रही हैं भारत में शास्त्रीय ललिता शाक्य दलितों ने अपने देश, इसे ही सांस्कृतिक संक्रमण कहते हैं, संस्कृताइजेशन यही है। नीचे का तबका, प्रियंका सोनकर का, नीचे का, नीचे के तबकों में अपना प्रभाव ग्रहण करता है, ये प्रियंका सोनकर कह रही हैं। संस्कृताइजेशन तो वही है जो मैं अभी नागपुर वाला उदाहरण दे रहा था, सही कह रही हैं आप प्रियंका, वो जो विमल सूर्य चिमनकर थे उनके बेटे की बात कर रहा था। ललिता साग के दलितों ने अपने देवी देवता का गढ़न किया, तब उनके देवी देवता हिंदुत्व के देवी देवता में कैसे बदल गए, आज दलित समाज बड़े रूप में दुर्गा को पूजा करता है। ये एग्जैक्ट दुर्गा की पूजा करता है कि नहीं, इस पर हम लोगों ने लंबी बात कर ली। हरिप्रकाश लाटा जी का है, गुजरात राजस्थान के बॉर्डर एरिया में रामदेव बाबा, जिन्हें रामदेव पीर भी कहा जाता है, देश भर में उनके मंदिर है, उनके मंदिरों में पुजारी कोई ब्राह्मण नहीं होता है, जबकि भक्ति में सभी जाति के लोग होते हैं। जलाराम बापा भी ऐसे ही लोक देवता हैं, देश भर में रामदेव बाबा की तरह पूरे देश में ऐसे अनेक लोक देवता हैं। जी, उसका उसके लिए हरिप्रकाश जी, अनिता जी ने एक बात जरूर कही, सब शोध की जरूरत है कि कोई ना कोई किसी न किसी पीढ़ी में जो कुल देवता और कुल देवी वाला कंसेप्ट है, आप सबके घरों में भी है, हमारे घरों में भी है, तो उसके जरिए समझा जा सकता है। मैं यहाँ पे एक बात बस कहना चाह रही हूँ, वो ये कि उत्सव धर्मिता जो है हम लोगों का एक हिस्सा रहा है, और जब हम इसमें जाते, चाहे गणेश चतुर्थी की बात हो, चाहे दुर्गा पूजा की बात हो, मेरी याद में भी, मैं सिवान जिले की बात कर रही हूँ, जब मैं छोटी थी तो दुर्गा पूजा उस तरह से नहीं होता था जिस तरह से बेगूसराय में होता था, क्योंकि कोई मूर्ति वूर्ति नहीं रखी जाती थी, वो बिल्कुल बस नवमी के दिन पूजा करने की बात हुआ करती थी या विजयदशमी के दिन, लेकिन कहीं कोई मूर्ति नहीं, कहीं कोई पंडाल नहीं। तो ये सारा कुछ ये पॉपुलर कल्चर का हिस्सा है, आपको 100 साल 200 300 साल, तो आज अगर आप कुछ गढ़ते हैं तो ये भी 100 साल 200 300 साल में इसी तरह से होने वाला है। जब आप दुर्गा पूजा का इतिहास में जाते हैं तो आपको पता चलता है कि अंग्रेजों के आने के बाद से ये इस फॉर्म में आया है। यहाँ तक कि दिल्ली में जब राजधानी चेंज होती है 1911 में, 1900 उनके साथ जब बंगाली मतलब लोगों का एक कॉलोनी बसती है, तो 1910 में पहली बार दुर्गा पूजा मनाया जाता है दिल्ली में, जो आज तक मनाया जाता है मिंटो रोड। तो ये इस तरह से चीजें हैं, मतलब हमें समय के साथ जो है वो चीजें हमको पता नहीं चलता है, कि लगता है कि ये 500 साल से चला, 5000 साल से चला आ रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये समय के साथ चीजें स्थापित होती हैं, एक बार पहल करना होता है, और रामायण जो है वो हमारी संस्कृति से गायब, जैसे कि 15वीं शताब्दी में तुलसीदास ने वापस रामायण को रामचरितमानस दिया था, ताकि लोक प्रसार हो, ताकि जो वो एक जो मतलब जो क्या कहते मुगलों वाली जो संस्कृति थी उसको हटा करके वापस हिंदू संस्कृति का पुनरुत्थान, इसलिए रामचरितमानस लिखा गया था, कॉन्सेप्ट वही था उस वक्त लिखे जाने का। तो उस वक्त उस रामचरितमानस का प्रसार हुआ लोक में उस वक्त, क्योंकि वो लोक भाषा में लिखा गया, लोगों के बीच में पॉपुलर हुआ, वो एक रिस्टैब्लिशमेंट था। वही चीज रामानंद सागर ने किया राजीव गांधी के कहने पर लेट इन 1980s। तो आप जो देख रामायण का जो एक, या राम और सीता का जो एक पॉपुलर कल्चर है, रामायण तो कितनी सारी तरीके से लिखा गया है, 14 या 25 तरीके से रामायण लिखा जा चुका है, लेकिन वही है जो कि टीवी पे प्रसारित हुआ या फिर जो लोक भाषा में। तभी मैंने कहा साउथ में एक रामायण वैसा भी है जहाँ पे एक पूरा हिस्सा ये वाला हिस्सा बिल्कुल तो जो ये जो मतलब उनका उनके में सूर्पनखा और ये सारा हिस्सा उनमें उसमें नहीं दिया हुआ है वहां पे। बहुत धन्यवाद, हम लोग 1.25 घंटे बातचीत कर चुके हैं, और एक अच्छे सहभाग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक ऐसा समय धीरे धीरे नहीं रहा, एक टॉलरेंस का समय, थोड़ा सा टॉलरेंस का एक लेवल दिखता है जब आप पेरियार सच्ची रामायण लिखते हैं, वो जब्त भी होता है, जब उसका अनुवाद होता है यहाँ भी, और फिर उसको सुप्रीम कोर्ट अलाउ करता है, तो इस तरह के इंटरप्रिटेशन का समाज में स्वागत होता रहा है, काउंटर मिथ तैयार होते रहे और समाज ने उसका स्वागत किया है। लेकिन अब हम लोग धीरे धीरे एक ऐसे खतरनाक दौर में प्रवेश करते जा रहे हैं कि जब काफी विजिलेंट है एक समूह जो आपको ऐसी बातें करने देने के पक्ष में भी नहीं है।
आज एक अच्छी बातचीत रही, बहुत बहुत धन्यवाद। एक और बात अभी इसी बात से मुझे ध्यान आ रहा है कि रामायण का जो सांस्कृतिक पक्ष है वो भी बहुत समृद्ध है, तो हम जब इसको डिनाउंस करते हैं या इस तरह से मिथक तो हम बहुत अपनी सांस्कृतिक समृद्धि को खोते हैं। आपको पता होना है जावा सुमात्रा से लेकर के इंडोनेशिया मलेशिया सभी जगह में है। हाँ मतलब ये चीज ये उसको थोड़ा सा कहने का मतलब हम हमारे एक सांस्कृतिक मनोरमा जी आपसे पूरी तरह असहमत होते हुए मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि सांस्कृतिक समृद्ध है या नहीं, लेकिन हमारी संस्कृति के बारे में एक आईना जरूर है और वो किस तरह से पितृ सत्ता फॉर्म होती है, कैसे कैसे वंश परंपरा का सिस्टम बनता है, वो सब रामायण के जरिए आप समझ सकते हैं। रामायण की अलग अलग कथाएं अलग अलग कथाएं। हाँ तो पुनर्पाठ इसलिए इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज है ना जी। समृद्ध शब्द हटा करके संस्कृति वाली बात कह सकते हैं कि संस्कृति को पढ़ने के लिए कि आपकी संस्कृति कैसी रही है इसको पढ़ने के लिए जरूर पुनर्पाठ हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर हम लोग मिलेंगे शाम 7 बजे दलित स्त्रीवाद की जो हमारी श्रृंखला है।